गंदा वाला जाम लग रहा है भाई। कावासाकी का शोरूम गाइस, जब मैं डीमोटिवेट होता हूँ ना, तब मेरा मोटिवेट होने का सिर्फ यही रीजन है। Hey guys, यहाँ पे जो है अपनी चाय बन गई है। चाय में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। पहले तो गया मैं दुकान पे भैया कह दिए, भैया घर मिलेगा नहीं, पैसे ले आओ, पैसे हमारे पास सिर्फ 10 रुपए थे, फिलहाल मैं तो दूध लेके आया। देखते जाओ, आज की जो सीरीज होने वाली है ना, आपके लिए बहुत बेहतरीन। अब शायद आपके साथ ही ऐसा होता हो, ना हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात। देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का कितना स्ट्रगल करता है। घर वालों की तो वही समझ लो कि जिस दिन से हम घर से निकल जाते हैं ना, उस दिन से वो दिन गिनना स्टार्ट कर देते, भाई आज महीना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पैसे अभी तक आए नहीं। देखते रहिए पूरे दिन होता होगा। स्किप बिल्कुल मत करना, स्किप करोगे कहीं ना कहीं मिस कर दोगे। आप अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ के साथ लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, बताना मत भूलना। फाइनली भाई लोग, तुम्हारा भाई एकदम फर्स्ट क्लास मस्त वाला एकदम फैंटास्टिक रेडी हो गया है। खाना यहाँ पे हमने बना लिया था, बर्तन वगैरह सब धो के एकदम फिट। मतलब शाम को जब आते हैं ना ड्यूटी को, तो अपना क्या है कि एक दो रील्स बना लेते हैं। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूं इधर से 9:37। आप सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। 20 मिनट लगता है कंपनी पहुंचने में। गाइस चलो निकलते हैं इधर से। तुम्हारा भाई एकदम ड्यूटी में आ गया, और ड्यूटी में आने के साथ ही सबसे पहला जो काम होता है अपना नामांकन कराओ कि भैया मैं लड़ाई पे आ चुका हूँ। एंड दूसरा काम जो होता है डमरोली को साफ सुथरा बढ़िया। दोनों भाई हम निकल चुके हैं सेक्टर 65 के लिए, जहाँ से हमें माल पिकअप करना है। निकल चुके हैं कंपनी से गाइस, ऑलमोस्ट आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है, आधा रास्ता ही कवर करना है। चलिए आज का जो पहला लोड है उसे पिकअप करते हैं। एनर्जी के साथ भाई साहब अपनी गाड़ी एकदम प्यार में तकरार में लोड हो चुकी है। अपन भाई लोग निकल चुके हैं डेस्टिनेशन अपने कंपनी की तरफ। और वेदर चेक करिए, वेदर इतना एनर्जेबल हो रहा है, इतना छतरी उड़ गई हो भाई लोग। तो देखिए गाइस यहाँ पे हो चुकी है तगड़ी वाली बरसात, शुरू हो चुकी है वाइपर, जैसे कि आप देख पा रहे हो वाइपर मैंने कर दिया। और तो गाइस जस्ट अभी अभी शुरुआत हुई है, और एनर्जी एकदम नेक्स्ट लेवल, और कितना सुंदर कितना बढ़िया वेदर हो रहा है। चलो चले दिल्ली गाइस, अपनी गाड़ी लोड हो चुकी है। आज जो है आज हमारी गाड़ी दिल्ली को प्रस्थान करेगी। बहुत ही बेहतरीन वेदर हो रहा है। एंड गाइस भैया को मैंने फोन करा था, इनको भैया भी ऑलमोस्ट जा चुके हैं दिल्ली को, तो वो दिल्ली में एंटर कर चुके हूँ मैं। एंड यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो बिना वाइपर का चलाव नहीं है, और उनका गाड़ी का वाइपर जो है वो चल ही नहीं रहा है, तो उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। वो बता भी रहे थे भाई कैसे करें, हमने क्या बताऊँ कैसे करें। तो चलिए हम भी निकलते हैं। फिलहाल में अपना यमुना एक्सप्रेसवे पे ऑन कर रहे हैं। जाम में जूझने के बाद अब जाके हम हुए आजाद। ये जो जाम का प्रोसेस था ये अपने महारानी बाग का था, और बहुत गंदा वाला जाम लग रहा है भाई। पल्ली साइड में देखिए एक बारी नजर मार के, ये देखिए गाइस पल्ली साइड का नजारा, और इधर कितना तगड़ा जाम लग रहा है। बहुत दूर तक दूर से लाइनें आ रही हैं। बारिश होने के बाद ना इसी चीज का डर है गाइस। हम लेंगे एक डिफरेंट सा रास्ता, जो कि हम रोज इस पुल के नीचे से जाते थे, आज पुल लेके पुल का सहारा लेंगे, क्योंकि रोज रोज एक ही रास्ते में मजा नहीं आता। थोड़ा सा हुआ उधर से वापस आते वक्त जो है कि हम ले लेंगे अपना। तो गाइस हम पहुंच गए नारायण विहार के बाद जो है पुल से हम नीचे उतर जाएंगे। नीचे उतरते ही मारेंगे राइट, निकलते हैं इधर से आराम आराम, प्यार नाल निकलते रहो, चलते रहो। भाई लोग हम कृति नगर, और देखिए पल्ली साइड जिधर जाम लग रहा है ना, हमें उधर ही जाना है, लेकिन जाम नहीं लग रहा है, लाल बत्ती हो रही है। एंड चलते हैं करवाते हैं खाली। और यहाँ पे है गाइस बहुत बड़ा मॉल, हमें यहाँ से लेना होगा नीचे से अंडर पास। तो चलो
खाली करवा के मैं मिलता हूँ। तो गाइस ये रहा अपना कावासाकी का शोरूम, यही अपना बेस्ट डेली नारायणा और यही अपने रहते हैं हर्ष पावा जी, कभी किसी दिन मिलने चलेंगे। और ये रहा अपना लिथियंस मोटर्स BMW 8000 RR। गाइस जब मैं डीमोटिवेट होता हूँ ना तो मेरा मोटिवेट होने का सिर्फ यही रीजन है। ये अपना आ गया डुकाटी, ये आ गया अपना सुजुकी हायाबुसा, भूसा 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 ब्यूटीफुल। और कितना सुंदर बात है, साथ में पेट्रोल पंप लगा है और साथ में ही चार चार सुपर बाइकों की शोरूम्स हैं, जहाँ की आपको नेक्स्ट लेवल की बाइकें प्रोवाइड कराई जाती हैं, आप सोच भी ना सकते। फिलहाल में हम और ये लाल बत्ती ग्रीन होने का इंतजार करते हैं गाइस। अरे चपले रहो जी, हमारा फोन अपडेट हुआ है और क्वालिटी चेक करिए। वाह व्हाट ए नाइस क्वालिटी, लवली, एक लाइक तो बनता है भाई साहब। चापा ये चापा ने भैया अब लिया है संकल्प कि पहुंचना है कंपनी। इसे देखिए, ये चूहा है, थोड़ी देर पहले तक जीवित था और ये मर गया यार। पता नहीं उस टायर के नीचे, देखिए इस गाड़ी के टायर के नीचे कुछ सूंघने को आया और मैं तो देख ही रहा हूँ। तो देखिए गाइस कितना पानी, पूरा फुल पानी चल रहा है, एकदम मस्त वाला। और देखिए और भी इधर जानवर चल रहे हैं। और यहाँ से जो शहर देखने को मिलता है ना, पता ही नेक्स्ट लेवल, पूरा ही ग्रीन ग्रीन ग्रीन। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं और मौसम का हाल बताइए। मौसम एकदम बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास हो रहा है। और अपना डमर ट्रॉली यूं खड़ा, हम भी रुक गए कि हम भी ले लेते हैं थोड़े घने मजे। और हमने तो आपसे वादा भी करा था, इधर में चल रहा हाईवे तो हाईवे पे रुकना अलाउ नहीं है, जैसे कि मैंने आप पिछली वीडियो में भी जानते ही हो। तो थोड़ी देर इधर करेंगे चिल, फिर निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो फिलहाल में लेते हैं मजे। ये गाइस ये रहा बीस्ट, जीप कंपनी की है और बहुत ही धांसु कार है। वो भाई लोग देखिए वहाँ जा रही है अपनी सुपर बाइक, वहाँ जा रही है। वो बोले भाई लोग, हमें दिल्ली से आके दोबारा लोड मिल गया, यानी कि आज का हमारा तीसरा लोड। क्या हाल है सत्यम? एंड गाइस हम निकल चुके हैं डेस्टिनेशन फैक्ट्री की तरफ, जहाँ हमें डिलीवर देना है। डिस्पैच हमारे कंपनी से ही हुआ था, अभी हम आधा रास्ता कवर कर लिए हैं, थोड़ा सा ही बच रहा है। चलिए ऑलमोस्ट वहाँ लड़का नहीं होगा, इसलिए सत्यम और मैं दोनों भाई जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जरूरत पड़ सकती है लड़कों की। चलो खाली करवाते हैं, फिर मिलते हैं। कंपनी में बहुत सारी लेडीजें हैं जिन्हें हम बैठा के लाए, उनकी बस जो है मिस होगी, तो हमने कहा चलो हम उधर ही जा रहे हैं, हम छोड़ देंगे। उधर जाओ आराम से, उतरो आराम से, अम्मा कोई दिक्कत तो ना हुई, आशीर्वाद लेके जाना। क्या हो गया? आशीर्वाद देके जाना, ठीक है। आ जाओ अम्मा। अरे उतारो भैया, उतारो, आ जाओ जी आराम से आ जाओ। ये है जो है अपना दूसरा दिन, तो करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। फिलहाल में मैं ड्यूटी में आ गया हूँ, आप सबको प्यारी से गुड मॉर्निंग। इतना स्ट्रगल रहा पूरा दिन, रात को मैं किसी के पास पैसों के लिए गया था क्योंकि अपनी EMI जो है फोन की EMI ड्यू हो चुकी है और पैसा है नहीं अपने पास। पैसे के चक्कर में गया था भाई लोग, मैं रात को लेट हो गया, फोन डेड पड़ गया था। अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं दूसरे दिन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, खाते पीते मत, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ के साथ लाइक कर देना और प्यारा से कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।